केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि गांव की सरकार की गठन की प्रक्रिया चल रही है। और इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे संवाददाता की टीम बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पंचायत चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवार और ग्रामीण दोनों से रूबरू हो रहे हैं। पंचायत के विकास और आने वाले सरकार की तरफ से योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण से भी और साथ में उम्मीदवार से भी। तो हमारे संवाददाता फिलहाल पूर्वी भिट्ठा पंचायत में है, जो विभूति सिंह संवाददाता है, और उनसे मुलाकात हुई है वहाँ के भाई मुख्य प्रत्याशी बबलू यादव से। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं ये किन उद्देश्य के साथ इस चुनाव में खड़े हुए हैं और आने वाले समय में पंचायत को किस दिशा के रोल ले जाना चाहते हैं विकास के क्षेत्र में। देखिए बातचीत का सिलसिला हमारे संवाददाता के साथ इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं विभूति सिंह, केलांचल टाइम्स से। अभी हम पहुँचे हैं एक हमारे मुखिया प्रत्याशी हैं, इस्माइलपुर प्रखंड में है और ग्राम पंचायत इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा पंचायत में है। और हम जिससे जुड़ने जा रहे हैं बहुत ही दिलचस्प इंसान है, बबलू यादव जी, जिसका चुनाव चिन्ह है ब्रश छाप क्रमांक संख्या 7। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, अभी हमारे एक भाई साहब थे, उनसे हम बात करेंगे, हम यानी हमारे ऊपर पूरा क्रोधित थे, आक्रोशित थे। उनका कहना था ये कि भैया आप अगर किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो बोर्ड जो काटने वाला है उससे उस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं ऐसे भाई साहब का जो हमको उचित डायरेक्शन देते हैं। पहले हम मुखिया जी से मिलते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम बबलू यादव। बबलू यादव जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ब्रश छाप। ब्रश छाप, किस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं? इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा पंचायत से। इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा पंचायत। तो कैसे हैं सर आप, इस बार फिर चुनावी मैदान में आप हैं और जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला, कुछ जनता जनार्दन से पता चला कि अगले पंचवर्षीय चुनाव में जो मुखिया का चुनाव चल रहा था, हमारे बबलू भाई सेकंड पोजीशन पर थे। जी हाँ। काफी अच्छा वोट लाया था। जी हाँ। तो इतना अच्छा वोट लाए, आप कहाँ चुप हो गई जो आप से सख्त का सामना करना पड़ा? सबसे पहले मैं अपनी इस्माइलपुर पूर्वी भिट्ठा पंचायत के जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं। और पिछले बार जहां तक की बात है, जो मुझे हार के सामना करना पड़ा, थोड़ा चूक मुझसे हुआ। 984 की कितना? 984 मत मुझे प्राप्त हुआ था और थोड़ा चूक हुआ था कि मैं फर्स्ट बार मैदान में चुनावी मैदान पहली बार थे और मैं 984 मत प्राप्त किया था, जो कि कुछ जानकारी के अभाव में मैं चूक खाया था। इस बार जो मैं मैदान में आया हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और हमारे साथ जो जनता के आश्वासन से मैं फिर से मैदान में आया हूँ। फिर से आप मैदान में हैं बबलू जी, और कई जनता जनार्दन से ही सूचना मिलती है और अभी आपसे मिले हम, कभी दूरभाष से बातें नहीं हुई थी, कभी आपसे मिले नहीं थे, एटरेंडम आपसे मुलाकात हुई और जनता ही हमको सूचना दिया कि बबलू जी मुखिया रहे या ना रहे, इसने बहुत ऐसा समाज सेवा किया है, बहुत ऐसा कार्य है पंचायत में जो मुखिया को करना चाहिए वो बबलू जी किए हैं। क्या सत्य बात है? जी हाँ, मैं 2012 में मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष बना था, राजद का, और उसके बाद मैंने इस राजनीति में अपना कदम रखने के कारण मैं समाज में देखा कि हमारे समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए मैंने इस समाज में पैर रखा और समाज में जो भी कार्य होता है, या सड़क हो या जहाँ तक की बिजली की बात है, मैं पहला शख्स हूँ इस क्षेत्र में बिजली लाने का मैंने काम करवाया। बिजली आप लाए? जी हाँ, बिजली मैंने मंगवाया। जी नहीं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष थे, आप समाज में एक्टिव रहते थे, तब ना पहला आपने कहा कि हम पहला शख्स हैं जो बिजली को लाने का काम किया। तो समाज के बाद जैसे पोल गिरा, मैंने रात में आए यहाँ से, सभी ट्रैक्टर को चल ले गया, सभी पोल को लदवाया और मेरा युवक भी साथ दिया, इस युवा साथ दिया, जो कि रातों रात पोल हर गांव में गिरवाए
और उसके बाद बिजली का कार्य, यानी आज अगर जनता आपकी ग्रामीण जनता अगर बिजली का प्रकाश पाता है तो बबलू जी का देन है। जी हाँ, और सड़क में भी सड़क मैंने जितना भी ये भिक्षा में और दूसरे चट्टू सिंह चौला हुआ और जगह मैंने एक किसी सड़क बनवाया से मैं कुछ पंचायत से पंचायत से और कुछ एमपी के फंड से कुछ विधायक के फंड से मैंने करी, जो पंचायत की योजना नहीं भी थी तो बाहर से योजना को लाके मैंने सड़क का निर्माण और बिजली की समस्या जो थी उसको दुरुस्त करवाया। कोरोना काल में आपका कोई भूमिका रहा है? कोरोना काल में कुछ मैं मास्क सैनिटाइजर ये सब वितरण करवाया था मैं। यानी एक मुखिया को जो कार्य करना चाहिए पंचायत में, समाज में, गांव में, घर में, गली गली में, ये कार्य आपने किया, मुखिया ही रहते किया। समाज में ऐसा आदमी है जो गरीब तबका का है, कुछ चीज मदद करना पड़ता है, मैंने वो भी मदद करता है। किसी का शादी विवाह है, कोई आ जाते हैं तो मुझको निराश होके नहीं जाने देते हैं, या किसी का श्राद्ध हो, किसी का श्राद्ध हो, या कोई प्रॉब्लम आ गया तो मैं उससे निराश होने नहीं देता, मतलब उसको जहाँ तक संभव होता है मैं मदद करता हूँ। चलिए मुखिया जी, आप इतने अच्छे कार्य किए हैं मुखिया नहीं रहते हुए भी, इसलिए अचानक सरस्वती का दिन है कि मुखिया जी निकल गया मुझसे, और हमारी भी शुभकामना रहेगी हमारे चैनल की तरफ से, हमारी शुभकामना ढेर सारी बधाइयां हैं आपको कि आप मुखिया बने। लेकिन बात यह है कि अभी जो पंचायत की चुनाव चल रही है, आपसे बात करने में आनंद आ रहा है, स्थिर से बात कर रहे हैं, ये पंचायत के चुनाव में बरसाती मेढक की तरह कई प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं जी। और वो सोचता है कि पंचायत में जितना इनकम है ना, एक बार खड़ा हो जाओ पंचायत में उसके अब नोट छापने वाला मशीन आ जाएगा, छापते रहो 5 साल तक। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें कहना चाहते हैं मैं इतना सा उम्र में मैं अपने जीवन में जो ढंग से होता है मैं किसी को आपको नहीं कर रहे हैं मुखिया जी, आप तो मुखिया नहीं है, आप एक समाज सेवक हैं, मुखिया नहीं रहते हुए आपने सड़क का निर्माण करवाया, बिजली की समस्या दुरुस्त की, शादी विवाह शराब इत्यादि में हम भूमिका निभाए आपने, आपको नहीं कर रहे हैं। अदर कैंडिडेट की बातें कर रहे हैं हम, जो मुखिया प्रत्याशी वार्ड सदस्य एक एक वार्ड में 10-12 वार्ड सदस्य खड़ा होता है, मतलब वो यही सोचता है पंचायत में इतना अधिक पैसा है, नोट का मशीन है, मतलब खड़ा हो जाओ, जीत जाओ, उसके बाद छापते रहो। तो ये जो सिस्टम है, क्योंकि आपसे अभी मुलाकात हुई, माइक पे हम नहीं थे, किसी नाम नहीं बोलना चाहेंगे, हम क्षमा चाहते हैं मतदाताओं से कि एक कैंडिडेट का नाम बोले कि 100 कुछ वोट लाया अगले बार, किसी कैंडिडेट का नाम बोला, नाम नहीं बोल रहे हैं हम, तो 100 वोट लाया तो क्या किया, ये तो बबलू जी को हरा दिया, सेकंड पोजीशन में आप रहे, नहीं तो आप जीत रहे थे अगली बार, अगली बार आप मुखिया बन रहे थे, तो ये वोट काटने वाला काम कर रहा है। हाँ, ये जितना भी कैंडिडेट है मेरे पंचायत में और मेरे गांव में वो एक वोट काटने के लिए वो खराब, लेकिन जनता उस पर विश्वास नहीं जता है, चुकी है जनता, जग चुकी है जनता, देख रही है कि अगले बार जो इन्होंने हारने के बाद भी जो कार्य किया है उस पर हमारा जनता सभी साथ में, है और हम उसी आशा उम्मीद पर हमें फिर से चुनाव में, यानी चुनावी जीत का जो आपका अभी जो चल रहा है पंचायती चुनाव जो चल रही है, तो ये होता है सर कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव से भी डेंजरस चुनाव होता है, और आप तो मजे हुए आदमी है, एक बार पंचवर्षीय योजना में आपने भाग अजमाया और आपने कहा कि थोड़ी सी चूक हो गई, और इतना सेवा आपने किया मुखिया नहीं रहते हुए, इस बार आपको जीत के प्रति कितना आश्वस्त है कि बबलू यादव की जीत है? जीत के प्रति मैं 100% आश्वस्त है, जनता आपके साथ है। तो ये तमाम बातें होंगी, फिर आपसे मिलेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और आपके पंचायत की जनता जानना चाहती है कि अगर बबलू यादव जी मुखिया बनते हैं, ब्रश छाप की जीत होती है, बबलू यादव मुखिया बनेंगे, सबसे पहले दिली ख्वाहिश आपका क्या है, जो इस धरती पर इस आपका पूर्वी बेठा पंचायत में सबसे पहले किस कार्य को आप करेंगे? सबसे पहले मैं शिक्षा पर ध्यान दूंगा, जो कि हमारे समाज में शिक्षा के बिना बहुत बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, कुछ गरीब तबका के लोग हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षा पर, मेरा फर्स्ट, शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है आज के शिक्षा, उसके बाद मैं स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा, स्वास्थ्य के बाद गांव में जिधर जाइए सड़क पर
पानी बसता है, नाला नहीं है, मैं उसका निर्माण कराऊंगा। और मेरा युवा जितना है खेल मैदान नहीं है, हाँ इस्माइलपुर में तो खेल का मैदान, तो खेल मैदान ये पंचायत स्तर पर नहीं है, लेकिन मुझे उतना है अप्रोच कि मैं खेल से भी ला के मैं खेल मैदान पंचायत पे डिपेंड नहीं रहेगा कि पंचायत के भरोसे आएगा कि हम तब खेल मैदान बनाएंगे, मेरा जमीन भी देना पड़ेगा खेल मैदान के लिए, तो मैं जमीन भी दे खेल के मैदान को देने के लिए अगर आपको भूमि दान भी करना पड़ेगा, मैं भूमि दान भी करूँ तो बहुत बड़ी बात है। अगर इस समय अगर युवा नहीं जगेगा तो कब जगेगा, कि आप उतना त्यागी हैं कि आप अपना भूमि भी दान करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को विमुक्त करूँगा, और पंचायत में जो इंदिरा आवास है जो रुपया लेता है मैं एक भी रुपया नहीं लेने, इंदिरा आवास में धांधली होता है, वृद्धा पेंशन है, राशन कार्ड है, उसमें किसी बिचौलिया का मैं चलने नहीं, बिचौलिया को खत्म कर, दलाली नहीं, दलाली नहीं, पंचायत नहीं। अच्छा ये तमाम बातें हो गई, यानी कोई कार्य बचा ही नहीं जो एक मुखिया को करना चाहिए, और तमाम मतदाता अभी आपको लाइव देख रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, लोग जग चुका है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि पंचायत की चुनाव में एक विधायक के चुनाव से ज्यादा टेंशन होता है पंचायत का चुनाव, कहीं बबलू आगू होता है क्या 9 बजे रात के बाद पैसा बढ़ना शुरू कर देता है कोई प्रत्याशी, जी नहीं तो अब कहीं जो है शराबबंदी है, अभी शपथ माननीय नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण समारोह था उनका 26 नवंबर को, फिर भी देख रहे हैं हमको शराब का बोतल को पंचायत में मिल जाता है, लोग एकदम तर रहता है पी के, हमने तो एकदम मेरे पंचायत में नई नोटों का खेल चलेगा, नई शराबों की खेल चलेगी, ईमानदारी। तो ये तमाम बातें सुन लिया आपके मतदाता, और ये काफी खुशी हो रही है कि आप की जीत हो, जीत के प्रति इतना योजना आपके अंदर है, मैनिफेस्टो तैयार है कि आपको क्या करना है। सबसे अहम बात आपने बताया कि युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है, उसके लिए जहां तक होगा योजना को आप बाहर से लाएंगे, पंचायत पर डिपेंड नहीं रहेंगे, अगर समर्थ होगा तो आप अपना भूमिदान भी कर सकते हैं पंचायत खेल के मैदान खेल के। चलिए आपसे बात करने में काफी आनंद आ रही है मुखिया जी, और हमारी फिर से शुभकामनाएं आपका है कि बबलू यादव भ्रष्टाचार की जीत हो, और तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, आज उनको जनता जनार्दन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, आपसे आज्ञा चाहते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अरविंद। कैसे हैं आप? उदास हैं, खाना नहीं खाए हैं? नहीं नहीं खाना खाया है। वाह जोर से बोलिए जैसे हम बोल रहे हैं। किसको? कौन छापते हैं? बरस था। कब वोट है आपके घर में? पाँच सात को में कब वो वोट बबलू यादव को पड़ेगा? सर 5% एक वोट पर मिलेगा वहाँ दूसरा रास्ता नहीं पैसा देते हैं 5000 की 7535 तभी होना है, नोट लेवा देता तो यदि नोट का खेल नहीं चलेगा आपके। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार। मनोज जी आप कैसे हैं, आप क्या कीजिएगा? हम सब तो कौन छाप बस बरस छाप कौन छाप है बरस छाप कौन छाप नहीं तो उसने बोल बरस छाप करे छे बोलता नहीं है तुम्हें चचा प्रणाम। बबलू यादव जी से हमारी बातें हुई, मुखिया के कैंडिडेट हैं और इनसे तमाम बातें हुई, अगले बार सेकंड पोजीशन पे थे, इस बार क्या रहेगा आपके आशीर्वाद से? अभी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए, उम्मीद है, पक्का विश्वास में है दिल में बाबा, लगना आराम किया है ये, और अभी इन्होंने बताया कि युवा को खेल का मैदान में है खेलने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगा अगर हम जीतेंगे तो अपना जमीन दान दे देंगे, लेकिन खेल का मैदान जरूर रहेगा, तो और सड़क भी बनवाया मुखिया नहीं सब चीजें बनवाया है, और कुछ तो सिगर में कुछ कोई बनवाया है, तब ई नहीं बनते के बनते मुखिया? आशीर्वाद दे छे अपने हमने तो एकदम दोनों होता दोनों होता क्या हुआ आशीर्वाद दे रहे हैं एकदम ठीक कौन सा बरस साहब याद रहते ना हाँ 12 तारीख का नहीं भूल गए ना। चलिए तमाम बातें हो रही है हमारे कुछ जनता जनार्दन से भी बातें हुई, और एक भाई साहब हैं उनसे भी हम बात करना गौतम कुमार जी कैसे हैं? खुश है ना? बहुत अच्छा। अभी क्रोध में है आपका क्या कहना है बोलिए, कैसा मुखिया होना चाहिए?
जो कि जनता के बीच में आज से नहीं, बिल्कुल जब से ये युवा हुए हैं 18 साल से ही, 18 साल जब इसका उम्र था उसी टाइम से जनता के बीच में समाज सेवी का काम किया है। जहाँ तक ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जिसमें बबलू जी का कार्य नहीं हुआ है, बबलू जी का सहयोग नहीं है। वार्ड का बात छोड़िए, प्रखंड लेवल पे जब ये प्रखंड अध्यक्ष थे उस टाइम जब गांव में कुछ भी नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारे आदमी जाते थे घूम के आते थे, इसी बबलू जी का देन है जो वहां से परमिशन लिया गया और ठेकेदार के थ्रू पोल लाया गया और पूरे अपने युवा को अपना पैसा दे के साथ में चल के पोल लाया गया और पूरे साथ में खड़े रह के करवाया गया। अगर ऐसे लोग को ये जनता मुखिया नहीं चुनती है फिर जनता का क्या हाल होगा, बाकी जनता खुद जानेगी। यानी इतने गुण हैं, ऐसे गुणी आदमी को छोड़ कर, भैया गुणी आदमी को छोड़ कर आप गुण और वोट कटवा के पास हम जा रहे थे इसका। तो वोट कटवा हम किसी को नहीं बोलेंगे और जनता खुद फैसला करेगी। जितने भी कैंडिडेट है उसका एक भी काम बता दे समाज में, एक भी काम बता दे और मुझे उस कैंडिडेट के पास खड़े करेगा, हम 10 उसका गुण काम बताएंगे जो जनता के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है। वैसे कार्य को किया है, वैसे कार्य को किया गया है। यानी आपका कहना लाजमी है कि हमें एक भी कैंडिडेट अगर बोल दे कि समाज में क्या किए हैं तब ना आप मुखिया बनिएगा। अचानक नॉमिनेशन दे दिया, हाँ अगर समाज में खराबी कर दे, अभी भी मैं वादा करता हूँ कभी भी खड़ा कर दे इसके पक्ष और उसके पक्ष अपने अपने आदमी को, अगर इससे ज्यादा आदमी झुकाव है तो हम उसको मुखिया चुनने के लिए तैयार। इसका मतलब है बबलू यादव जी का लहर है और यही जीतेगा। अगला बार भी लहर था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जो पहली बार चुनाव मैदान में था, मैनेजमेंट या जो मानिए या जनता को परखने में दिक्कत हुई तो इस वजह से रुक गया, लेकिन अब की बार 100% है मुखिया जी बनेंगे बबलू यादव। बरस छाप की, बरस छाप की। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, मैं विभूति सिंह, अभी हम मुखिया जी से मिले, तमाम जनता जनार्दन से हमारी बातें हुई और लगातार इस तरह की पंचायत की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।